हाय हमने अपनी लास्ट वीडियो में गेम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे जैसे प्लेज स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स के बारे में बात की थी साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी गेम के लिए हम पे ऑफ मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसी तरह आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नैश इक्विलिब्रियम की एंड प्रिजनेस डेलोमा की तो सबसे पहले हम देखेंगे नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है फिर हम देखेंगे प्रिजनेस डेलोमा की सिचुएशन क्या होती है एंड इसके लिए हम कैसे पे ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड लास्ट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि हम किस तरीके से बिजनेस डेलोमा का नेशनल प्रिब्रम कंप्लीट कर सकते हैं सो so, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनल प्रिब्रम से अ पेयर ऑफ स्ट्रैटेजीज एस हेट ए एस हेट ई इज अश इक्म फॉर अ टू प्लेयर गेम इफ नो प्लेयर कैन इम्प्रूव हिज पे ऑफ बाई डे फ्रॉम हिज इक्वलिब्रियम स्ट्रैटेजी टू अनादर स्ट्रैटेजी प्रोवाइडेड हिज ओपोनेंट कीप्स हिज तो हम सिंपली क्या कह रहे हैं लेट्स रिज्यूम दो प्लेयर्स है गेम में ए एंड ई अब हम सिंपली ये कह रहे हैं अगर दो प्लेयर्स की नैश इक्विब्रम स्ट्रैटेजी है एस हार्ट ए और एस आर टी और इसमें से एक कोई भी प्लेयर अपनी इसी स्ट्रैटी को फॉलो करता है तो जो तो दूसरा प्लेयर होगा उसके पास कोई बेनिफिट नहीं होगा कि वो अपनी इक्िब्रम स्ट्रैटी से डेविएट कर जाए या फिर उसको चेंज कर ले ऐसा क्यों हम ये कह रहे हैं कि अगर ये नैश इक्विब्रम स्ट्रैटेजी है और लेट सपोज ए ने अपनी स्ट्रैटेजी एस हार्ट ए ही चूज़ की है तो उस केस में ई e के पास कभी भी इंसेंटिव नहीं होगा कि वो अपनी स्ट्रैटेजी एस आट /E ई के अलावा कोई और स्ट्रैटेजी चूज़ कर ले इंसेंटिव ना होने का मतलब क्या है कि उसका पे ऑफ़ कभी बढ़ेगा नहीं अगर एक प्लेयर ने वो चूज़ किया तो दूसरा प्लेयर अपनी स्ट्रैटेजी को स्विच करके कभी भी अपना पे ऑफ़ बढ़ा नहीं पाएगा उसको जो प्रॉफिट हो रहा है या उसको जो यूटिलिटी मिल रही है या जिस भी टर्म्स में पे ऑफ़ है वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगा एक एग्जाम्पल देखते हैं लेट सपोज हमारे जो टू प्लेयर्स हैं, वो है ए एंड बी एंड अवेलेबल स्ट्रैटेजीज क्या क्या है हर प्लेयर के लिए एक्स या जेड इन दोनों में से कोई एक प्लेयर एक स्ट्रैटेजी चूज करनी है अब मैं कह रही हूँ कि नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी लेट्स सपोज इट इज जेड 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 हमारी नैश इक्विपमेंट स्ट्रैटेजी है अब किस हम कह रहे हैं कि ये जेड जेड नैश इक्विपमेंट स्ट्रैटेजी तभी होगी अगर लेट्स सपोज ए ने चूज़ कर लिया कि वो जेड ही फॉलो करेगा तो बी कभी भी एक्स पे स्विच करके कुछ बेटर पे ऑफ नहीं मिलेगा उसको वैसे ही अगर बी ए ने चूज़ कर लिया कि मैं जेड ही चूज़ कर रहा हूँ तो इन दैट केस ए को कभी भी जेड से X पे जाने में कुछ एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा यूटिलिटी या एक्स्ट्रा पे ऑफ नहीं मिलेगा तो मतलब किसी भी प्ले, प्लेयर के पास कोई इंसेंटिव नहीं होगा कि वो किसी और स्ट्रैटेजी पे डेविएट कर जाए तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि अगर एक प्लेयर ने नैशनिक लिब्रम स्ट्रैटेजी चूज की है और दूसरे प्लेयर को कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो डेविएट करे वो चेंज करे अपनी स्ट्रैटेजी तो वो नेशनिक लिब्रम स्ट्रैटेजी होगी अब पे ऑफ की टर्म्स हम उसको कैसे कह सकते हैं देखो इन टर्म्स ऑफ द पे ऑफ दिस मीन्स दैट हमें पता है कि हमारी एस आर टेन एस आर टी जो है वो नैश इक्विलिब्रियम स्ट्रैटेजी है तो हम कह रहे हैं ये उसका पे ऑफ है एंड दिस ए रिप्रेजेंट्स कि ये प्लेयर ए का पे ऑफ है तो हम कह रहे हैं प्लेयर ए के लिए अगर let's suppose, player e ने तो अपनी एस हेट ई स्ट्रैटेजी ही चूज करी और प्लेयर ए ने कोई भी एक रैंडम स्ट्रैटेजी चूज कर ली एस ए तो उसका जो पे ऑफ होगा विल ऑलवेज बी लेस दैन इक्वल टू उस पे ऑफ से जो कि

ई e को जो पे ऑफ होगा वो हमेशा कम होगा अगर वो एस आइट ई के कंपैरिजन में कुछ कोई भी और चूज कर लेता है उसका पे ऑफ या तो कम होगा या इक्वल हो जाएगा बट कभी भी उससे ग्रेटर नहीं होगा तो इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल कि वो प्लेयर बी एस आइट ए एस आइट ई ही चूज करे राइट पे ऑफ इक्वल हो सकते हैं कि अगर ए ने अपनी नेच स्ट्रैटेजी चूज़ की है और ई e ने कोई और स्ट्रैटेजी चूज़ कर ली वो इक्वल हो सकता है बट वो कभी ज़्यादा नहीं होगा तो हमेशा अगर वो हमेशा इट विल बी बेनिफिशियल कि हम लोग अपनी नेच स्ट्रैटेजी चूज करें मतलब अगर हम इस स्ट्रैटेजी पर है तो किसी भी प्लेयर के पास कोई बेनिफिट नहीं है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर ले राइट हम इसको बेटर समझेंगे अभी हम प्रिजनेस डेलोमा का जब एग्जाम्पल देखेंगे सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस डेलोमा की सिचुएशन के लिए ये जो एग्जाम्पल है ये है प्रिजनेस डेलोमा का अब इसमें हम क्या कह रहे हैं A prosecutor seeks to arrest two bank robbers, he lacks proof of their involvement in the crime, but has managed to have them arrested for a minor fraud charge. He offers to each of them the following choices. If one suspect confesses but the other suspect does not confess, then one who confesses will go free and the other suspect will be punished for six years in jail. If they both confess, then each will spend two years in jail. Finally, if none confess, then they both will be convicted for a minor fraud. से फॉर वन ईयर इन प्रिजन तो हम क्या कह रहे हैं हम सिंपल ये कह रहे हैं एक प्रोसिक्यूटर ने दो बैंक रॉबर्स को अरेस्ट किया है अब जो प्रोसिक्यूटर उस पर इतना प्रूफ है कि उन्होंने कुछ क्राइम किया है बट उस पर इतना नहीं है कि उसने इतना मेजर फ्रॉड किया है सो so, इस केस में अब वो क्या कर रहे हैं जो प्रोसिक्यूटर है उन दोनों को दो चॉइसिस ऑफर कर रहे हैं रॉबर्स को कि ठीक है या तो आप सच बता दो या मत बताओ या तो आप कन्फेस्ट कर दो या कन्फेस्ट मत करो तो वो क्या कह रहे हैं साथ साथ कि अगर आपने कन्फेस्ट कर दिया और दूसरे प्लेयर ने कन्फेस्ट नहीं किया तो उस केस में मैं आपको फ्री कर दूंगा कि आप चले जाओ घर एंड जो दूसरा प्लेयर जिसने कन्फेस्ट नहीं किया उसको मैं जेल दे दूंगा सिक्स ईयर्स की वैसे ही अगर दूसरे प्लेयर ने कन्फेस्ट कर दिया पर आपने कन्फेस्ट नहीं किया तो उस केस में जिस प्लेयर ने कन्फेस्ट किया वो फ्री है जिस प्लेयर ने नहीं कन्फेस्ट किया वो जेल सिक्स ईयर्स के लिए वैसे ही अगर दोनों ने कन्फेस्ट कर दिया तो टू ईयर्स जेल मिलेगी ईच और अगर किसी ने भी कन्फेस्ट नहीं किया तो एक माइनर फ्रॉड में हम आपको वन ईयर की इम्प्रिजनमेंट दे देंगे राइट तो इस गेम को समझिए क्या लग रहा है कि इसमें हमारे प्लेयर्स कौन है दोनों सस्पेक्ट्स और इसमें एक्शन क्या होगा किसी भी एक प्लेयर के पास क्या एक्शन है या तो वो कन्फेस्ट चूज करे या नॉन कन्फेस्ड नॉट कन्फेस्ड चूज करे या तो कर दे या नहीं करे अब हम देखते हैं प्रेफरेंसेस प्रेफरेंसिस कि अगर मैं सस्पेक्ट वन हूं और मुझे प्रोसिक्यूटर ने ऑप्शन दिया है तो आप बताओ मैं क्या चूज करूँ मेरे लिए सबसे अच्छी सिचुएशन क्या होगी कि मैं जेल ही ना जाऊँ राइट क्योंकि मुझे अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है तो मैं जेल ही नहीं जाऊँगी और मैं जेल कब नहीं जाऊंगी जब मैं तो कन्फेस्ट कर दू पर दूसरा प्लेयर कन्फेस्ट ना करे सो so, ये सिचुएशन है कन्फेज नॉट कन्फेस्ट सस्पेक्ट वन कन्फेस्ट बट याद इज नॉट कन्फेस्ट सो सस्पेक्ट वन इज सेट फ्री मेरे लिए ये सबसे बेस्ट है बट ये जो दूसरा प्लेयर है उसके लिए क्या है ये वर्स्ट है क्यों क्योंकि जो दूसरा प्लेयर है उसको सिक्स ईयर्स की जेल हो जाएगी सेकेंड क्या है नॉट कन्फेस नॉट कन्फेस हम दोनों ही कन्फेस नहीं करते फिर हमें दोनों को एक एक साल की जेल मिल जाएगी चलो अब मेरे पास मैं कह रही हूँ ठीक है अगर मुझे एक साल की जेल में uh, भी मैं नहीं फ्री हो पा रही हूँ चलो ठीक है फिर मैं नेक्स्ट इससे बेटर क्या है टू इयर्स की जेल ले लेती हूँ वो कब होगा जब हम दोनों कन्फेस्ट कर देंगे प्लेयर वन एंड प्लेयर टू सस्पेक्ट वन एंड सस्पेक्ट टू दोनों कन्फेस्ट कर देते हैं सो इन दैट केस दो साल की जेल मिलेगी हर प्लेयर को उसके बाद लास्ट केस क्या होगा कि

डिवाइड किया है मेरे पास पूरा ये गेम आ गया है। अब इनसे मैं क्या कह सकती हूँ कि लेट सपोज अगर मैं प्लेयर वन हूँ तो मेरे बेस्ट के सिनारियो क्या है मैं कन्फेस कर दूँ दूसरा प्लेयर ना कन्फेस करे सो so, ये रही मेरी वो प्रेफरेंस ये यूटिलिटी वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज यूटिलिटी ऑफ प्लेयर वन यूटिलिटी और पे ऑफ ऑफ सस्पेक्ट वन राइट right? क्योंकि यार वन अगर यार टू होता तो सस्पेक्ट टू की होती बट जो फर्स्ट पे लिखा है वो हमारे हमेशा सस्पेक्ट वन का स्ट्रेटेजी है एंड जो सेकंड प्लेस पे है वो हमेशा सस्पेक्ट टू की तो हम उसके बाद हमारे लिए क्या है दोनों ही कन्फेस्ट नहीं करते ये रही फिर क्या है कन्फेस कन्फेस एंड देन नॉट कन्फेस कन्फेस अब मैं कह रही हूँ ठीक है अभी हमारे पास पे ऑफ से अब मैं कह रही हूँ हम, अब हमें ये पे ऑफ जनरेट करना है हमारे पास सिचुएशन है दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्रिजनर्स डेलोमा जिसमें हमारे पास बस ये सिचुएशन होती है अब उसमें पे ऑफ की वैल्यूज क्या होती है वो चेंज करती है तो विध एवरी वन जो भी अपना नया डेटा कंस्ट्रक्ट करता है वो अपना पे ऑफ चेंज कर सकता है सो तो अब मेरा पे ऑफ क्या होगा बेसिकली मुझे बस ये कंपेरिजन रखना है तो सबसे ज्यादा पे ऑफ मुझे कब चाहिए होगा जब मैं कन्फेज कर दूसरा प्लेयर ना कन्फेस करे तो मैं कह रही मेरा पे ऑफ उस टाइम है थ्री दिस इज दिस आर दी पे ऑफ ऑफ प्लेयर वन ठीक है नॉट कन्फेस नॉट कन्फेस दोनों ही कन्फेस नहीं करते वो मेरे लिए क्या है सेकेंड बेस्ट सिचुएशन तो मैंने इसका रख दिया टू कन्फेस्ट कन्फेस वो मेरी थर्ड उस पेयर मैंने उसको रख दिया वन नॉट कन्फेस कन्फेस मतलब मैं कन्फेस ना करूँ दूसरा प्लेयर कन्फेस्ट कर दो वर्स्ट है क्योंकि मुझे सिक्स ईयर्स की जेल मिल जाएगी तो दिस इज जीरो वैसे ही अगर मैं पे ऑफ और प्लेयर टू निकालना चाहूँ तो क्या कहेंगे सबसे पहले हम कह रहे हैं अगर प्लेयर वन ने कन्फेस्ट कर दिया और मैंने कन्फेस्ट नहीं किया तो मुझे पता है मुझे सिक्स ईयर्स की जेल है मेरे लिए वर्स है वो किसकी तरह हो गई सिचुएशन इसकी तरह हो गई तो पे ऑफ हमें सेम रखना पड़ेगा जीरो नॉट कन्फेस नॉट कन्फेस दोनों ही कन्फेस नहीं करते दो साल की जेल एक साल की जेल हो जाएगी वन ईयर की जेल है तो मैं इसको क्या रख देती हूँ टू सिमिलर टू दिस उसके बाद क्या है कन्फेस कन्फेस दोनों कन्फेस कर रहे हैं तो वन एंड नॉट कन्फेस कन्फेस मतलब फर्स्ट प्लेयर ने कन्फेस नहीं किया मैंने कन्फेस कर लिया मैं पे ऑफ क्या हो गया थ्री अब देखो अगेन सबसे बेस्ट महीने क्या है मैं कन्फेस कर दूं दूसरा पे नॉट कन्फेस 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 नॉट कन्फेस नॉट कन्फेस एंड नॉट कन्फेस नौट कन्फेस सो एज इट इज हमारे सारे पे ऑफ्स पैलर है या फिर एक ही टेंजेंट पे वर्क कर रहे हैं राइट सो so, यही सारे प्ले, पे ऑफ्स को मैंने एज इट इज यहाँ नोट कर दिया है हमारे पास ये सारे पे ऑफ्स आ गए अब इन पे ऑफ्स की हेल्प से पे ऑफ मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करूंगी उसी तरह जिस तरीके से हमने अपने लास्ट वीडियो में कंस्ट्रक्ट किया था अब हमें पता है हम जब भी एक ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से पे ऑफ लिखते हैं यहाँ पर प्लेयर वन का पे ऑफ होगा एंड यहाँ इस प्लेस पे प्लेयर टू का पे ऑफ होगा राइट right? सो so, सबसे पहले क्या है हमारे पास सस्पेक्ट वन क्या कह रहा है वो नॉट कन्फेस एंड सस्पेक्ट टू क्या कर रहा है नॉट कन्फेस सो सिचुएशन में सस्पेक्ट वन का क्या होगा पे ऑफ टू टू uh, के लिए क्या होगा जब दोनों नॉट कन्फेस्ट है उसके लिए भी टू नेक्स्ट इज जब सस्पेक्ट वन तो कन्फेज कर देता है बट सस्पेक्ट टू नॉट कन्फेस्ट तो इसके यूटिलिटी पे ऑफ फॉर प्लेयर वन है ये एक, लिख देते हैं हम इसको confusion ना हो हमने कॉपी किए हुए अब सस्पेक्ट uh, वन के लिए कन्फेस्ट सस्पेक्ट टू के लिए नॉट कन्फेजेक्ट वन के लिए कन्फेज बट मतलब अगर यहां देखे तो मैं कन, वन करता हैं, करे, तो उसके लिए पे ऑफ क्या है जीरो सस्पेक्ट टू के लिए वैसे ही सस्पेक्ट वन नॉट नॉट कन्फेस्ट एंड सस्पेक्ट टू कन्फेस्ट मतलब ये वाला हो गया तो ये हो गया जीरो वैसे ही सस्पेक्ट वन नॉट कन्फेस एंड सस्पेक्ट टू कन्फेज इज दिस तो इसके लिए क्या पे ऑफ है थ्री लास्ट सिचुएशन इज जब दोनों ही कंफेज कर देते हैं तो उनका पे ऑफ क्या है one, one. तो इस तरह से हम अपना पे ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हैं राइट right? यहाँ पे आप टू जीरो प्लेयर वन एंड दिस इज फॉर प्लेयर टू या सस्पेक्ट वन एंड ये है सस्पेक्ट टू के हम इस तरीके से लिखते हैं राइट right? और जब ये ब्रेसेस बना रहे थे तो दिस वॉज इंडिकेटिंग सेट एक्शन सेट बट ये हमारे पे ऑफ बनते हैं या फिर हम हमेशा इन ब्रैकेट्स में लिखते हैं अब हम देखते हैं कि अगर यही पे ऑफ मैट्रिक्स मेरे पास है देखो ये एज इट इज कॉपीड है अगर मेरे पास ये पे ऑफ मैट्रिक्स है तो मुझे इसमें क्या निकालना है नैश नैश इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कैसे निकाल सकती हूँ अब सबसे पहले हम इसमें ऑल फोर स्ट्रैटेजीज को नोट कर लेते हैं पहली स्ट्रैटेजी क्या है नॉट कन्फेस नॉट कन्फेस्ट सेकेंड क्या है नॉट कन्फेस्ट कन्फेस्ट थर्ड कन्फेस्ट नॉट कन्फेस्ट फोर्थ कन्फेस्ट Confess. अब हम के देखते हैं हमारी नाशिकम स्ट्रैटेजी कौन सी है सबसे पहले नॉट कन्फ्यूज नॉट कन्फ्यूज मतलब ये वाली स्ट्रैटेजी इसका मतलब क्या हुआ हम कह रहे हैं कि हमारा नॉट कन्फ्यूज नॉट कन्फ्यूज स्ट्रैटेजी हमारा नाशिकब होगा जब किसी भी प्लेयर के पास इंसेंटिव नहीं है कि वो डिबेट कर जाए राइट सो so इसका मतलब अच्छा ठीक है हम चेक करते हैं अगर सस्पेक्ट वन ने लेट सपोज अपनी उसको नॉट कन्फेज ही रखा तो आप बताओ सस्पेक्ट टू क्या उसके पास कोई बेनिफिट है कि वो डेविएट कर जाए सस्पेक्ट अगर वन ने नॉट कन्फेस ही रखा दिन दैट केस सस्पेक्ट टू को चूज करना पड़ेगा इसमें से और इसमें से सस्पेक्ट टू कौन से वाले को चूज करेगा टू को या थ्री को थ्री को सो एनी डे वो चाहेगा कि अगर प्लेयर वन ने नॉट कन्फेस चूज किया तो मैं कन्फेस कर देता हूँ सो ऑब्वियसली वो डेविएट करेगा वो स्विच करना चाहेगा बिकॉज पे ऑफ इंक्रीज हो रहा है so in that case this is not a nash equilibrium strategy right वैसे ही अगर हम प्लेयर सस्पेक्ट टू के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं बट अगर हमने एक प्लेयर के लिए भी निकाल लिया तो हमारी नैश इक्म स्ट्रैटेजी नहीं रहती है बट अगर हम सस्पेक्ट टू के लिए भी देखें कि सस्पेक्ट टू ने अगर नॉट कन्फेस चूज़ कर लिया तो सस्पेक्ट वन या तो टू चूज करेगा ये थ्री तो इन दोनों में से बिकॉज उसने तो ये पार्ट चूज़ किया है तो उन दोनों में से जब वो चूज़ करेगा वो भी कन्फेस करना चाहेगा सो अगेन ये हमारी नैश इक्वलब्रम स्ट्रैटेजी नहीं है सेकेंड सिनारियो लेट्स सपोज नॉट कन्फेस कन्फेस बी आर नैशिकुलटम स्ट्रैटेजी मतलब हमारी ये वाली जो स्ट्रैटेजी हो नैशिकुलटम में। अगेन हम जनरली देखते हैं कि लेट्स सपोज सस्पेक्ट वन ने लेट्स सपोज नॉट कन्फेस एंड कन्फेस तो लेट्स सपोज सस्पेक्ट टू ने कहा ठीक है आई एल कन्फेस सस्पेक्ट टू ने चूज कर लिया कि कन्फेस ही करेगा That case, के पास दो चॉइसेस है या तो नॉट कन्फेस करें और जीरो आप ले ले, ले ले। खुद बताओ वो नॉट कन्फेस करेगा या कन्फेस, वो कन्फेस उसको पे जीरो की जगह वन मिल रहा है सो एनी डे प्लेयर वन के पास एक इंसेंटिव है कि वो डेविएट कर जाए और अगर हमें एक के लिए मिल जाता है तो हमें सेकेंड सस्पेक्ट के लिए चेक करने के लिए नहीं होतीजी बिकॉज सस्पेक्ट वन विल ऑलवेज डेविएट फ्रॉम

प्लेयर डेविएट करेंगे, राइट? Right? यहां पे हमने क्या देखा है कि अगर आ, इसके अंदर सेकंड केस में नॉट कन्फेस कन्फेस में, अगर प्लेयर टू अपना स्टिक होता है कन्फेस पे, तो प्लेयर वन विल ऑलवेज कन्फेस, राइट? सो है प्लेयर वन विल डेविएट, बट प्लेयर टू डेविएट नहीं करेगा, व्हाई? क्योंकि अगर प्लेयर वन ने और अगर प्लेयर वन सस्पेक्ट वन ने हमारा चूज कर लिया नॉट कन्फेस राइट तो प्लेयर जो हमारा टू है वो कन्फेस पर ही रहेगा तो एक भी अगर लेकिन अगर डेविएट कर जाए तो दैट वर्क्स सो यहाँ कन्फेस नॉट कन्फेस है थ्री जीरो वन वन सो यहाँ हमें पता है कि प्लेयर टू विल डेविएट वाई क्योंकि प्लेयर टू को पता है अगर उसने कन्फेस्ट चूज कर लिया प्लेयर वन ने तो हमेशा वो वन पे जाएगा लेकिन अगर उल्टा हो जाए अगर प्लेयर टू ने नॉट कन्फेस चूज कर लिया दैट इज दिस कॉलम तो प्ले सस्पेक्ट वन जो है उसके पास जो ऑप्शन होगा वो डेविएट नहीं करेगा बट एक ने भी अगर डेविएट करे तो वो नेच नहीं होता नाउ आर लास्ट केस इज फॉर कन्फेस कन्फेस नाउ वी नीड टू चेक फॉर दिस राइट सो सिंपल कन्फेस्ट uh, कन्फेस्ट का मतलब क्या है अगर लेट सपोज सस्पेक्ट टू ने चूज किया कन्फेस्ट करना राइट right? सो so, अगर सस्पेक्ट टू ने चूज किया कि वो कन्फेस्ट करेगा सो इन दैट केस अब आप बताओ सस्पेक्ट वन क्या कन्फेस्ट करेगा या नॉट कन्फेस्ट एनी डे वो कन्फेस करेगा बिकॉज अगर सस्पेक्ट टू ने कन्फेस्ट करना चूज किया तो सस्पेक्ट वन को चूज करना है जीरो और वन में से वो वन चूज करेगा तो वो कन्फेस्ट करेगा ठीक तो है हम कह रहे हैं सस्पेक्ट वन डेविएट नहीं कर रहा अब वैसे ही अगर सस्पेक्ट वन ने चूज़ कर लिया कि ठीक है वो कन्फेस्ट करेगा सस्पेक्ट के पास टू चॉइसेस है जीरो या वन वो क्या चूज करेगा वो हमेशा चूज करेगा इसका मतलब कोई भी डेविएट नहीं करता अगर एक प्लेयर ने कन्फेस्ट चूज किया तो दूसरा प्लेयर भी कन्फेस्ट ही चूज करेगा क्योंकि अगर उसने वो कन्फेस्ट नहीं चूज किया तो उसको सिक्स ईयर्स की जेल मिल जाएगी इससे बेटर है दोनों कन्फेस्ट कर लेते हैं एक एक साल की जेल ले, ले लेते हैं दो दो साल की जेल ले, ले लेते हैं राइट सो इन दैट केस वी आर सेइंग दिस सिंह कन्फेस्ट कन्फेस्ट इज आर नैश इक्विलेब्रियम स्ट्रैटेजी जहां किसी भी प्लेयर के पास कोई बेनिफिट नहीं है टू डेविगेट राइट सो दिस इज हाउ वी फाइंड नैश इक्विब्रियम फॉर बिजनेस डेलेमा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू